नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यू टेक इजी चैनल। मैं हूं शंकर, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल न्यू टेक इजी में। तो दोस्तों, हमारा चल रहा था फोटोशॉप ट्यूटोरियल्स और एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं फोटोशॉप ट्यूटोरियल पार्ट 20 में 20 अध्याय में। और हम सीख रहे थे टेक्स्ट टूल के बारे में और तमाम टूल्स के बारे में पिछले अध्यायों में सीखते आ रहे हैं। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक के माध्यम से सारे के सारे वीडियो वन बाय वन करके देख सकते हैं। और मैंने कहा था कि टेक्स्ट टूल को मैं दो वीडियोज में समझा दूंगा, लेकिन ये तीसरा वीडियो बनाना पड़ रहा है क्योंकि इसमें थोड़ा सा जो मास्क टूल है वो रह गया था, क्योंकि उसको अलग से समझाना जरूरी था। वो वीडियो काफी लंबा होता जा रहा था और उसमें थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता फिर, और इसको समझाना भी जरूरी था और चाहता तो मैं सोच सकता था। और आपको जब 3D का लेसन चलता है फिर एडवांस सीरीज चलती तब मैं आपको समझा सकता था, लेकिन अभी जो बैनर और पोस्टर्स के पहले चलेंगे तो उसमें थोड़ा सा आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, उसमें बहुत ही काम आने वाला है और आपकी जो और नॉर्मल एडिटिंग है उसमें बहुत ज्यादा काम आता है, इसलिए इसको थोड़ा पहले बताना जरूरी था। तो पहले तो माफी चाहूंगा कि उस वीडियो में मैं आपको दो वीडियो में खत्म नहीं कर पाया और इसमें थोड़ा सा लेकर आ रहा हूँ, तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। और तो चलिए सीख लेते हैं, अपने टेक्स्ट टूल पर आ जाते हैं। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल न्यू टेक इजी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और क्योंकि मैं इस पर मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के वीडियो तो एक सप्ताह से एक वीडियो डालता रहता हूँ। उसके अलावा मैं आपको फोटोशॉप सॉफ्टवेयर की नॉलेज देता रहता हूँ, फोटोशॉप या फिर जो भी और कोर्सेज है उनके सारे सॉफ्टवेयर के बारे में बताता रहता हूँ। आगे आने वाले जो कोर्सेज है वो इस प्रकार है कि फोटोशॉप के बाद में कोरल ड्रॉ आ जाएगा, उसके बाद में वीडियो एडिटिंग के बारे में आपको बताऊंगा, उसके बाद में जो सॉन्ग रिमिक्स करना है, डीजे पर नाम वगैरह लगाना है वो अब मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद में बहुत सारे कोर्सेज है वो मैं आपके सामने लेकर आऊंगा, एफिलिएट मार्केटिंग में आपको सिखाऊंगा, सारे वीडियोज में आपको वन बाय वन करके सिखाऊंगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और वन बाय वन करके देखिए, तभी आपके समझ में आएगा। इस तरह से कुछ समझ में नहीं आने वाला है बीच बीच में देखने से, तो सारे चलिए बहुत ज्यादा हर वीडियो में मैं कहता हूँ कि कम से कम थोड़ा सीखिए लेकिन अच्छा सीखिए उसको, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ओके, तो चलिए चल लेते हैं, थोड़ा सा ज्यादा ही टाइम हो जाएगा फिर आज का वीडियो ज्यादा लंबा ना बने, तो चलिए चलते हैं। तो हम आ जाते हैं अपने फोटोशॉप पर, और फोटोशॉप में यहाँ से आप देखिए ये वाला टेक्स्ट टूल के बाद में हमने हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट टूल के बारे में सीख लिया था। वर्टिकली टाइप टूल मैंने फर्स्ट वीडियो में बता दिया था वर्टिकल टाइप टूल का, वहां पर मैं नाम लेना भूल गया था एक्चुअली। तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे तो ये सीधा लिखता हुआ चलेगा, सॉरी इस लंबाई में लिखता हुआ चलेगा, और जो हॉरिजॉन्टल क्या करता था वो इस तरह से हॉरिजॉन्टल आप देखते ये वर्टिकली इसको वर्टिकली टाइप में लिखेगा, हॉरिजॉन्टल इसको हॉरिजॉन्टली टाइप में लिखेगा, मतलब इस तरह से सीधा लाइन वाइज लाइन लिखेगा, और जो वर्टिकली है वो इसका लंबाई में लिखेगा। जैसे यहाँ से लिख दिया इसलिए TECS टेक, इस तरह से देखिए लंबाई में लिखता हुआ चल रहा है, और सारी प्रॉपर्टी जो इसकी सेम की सेम रहने वाली है। और इसको कंट्रोल जेड करके रिमूव कर देते हैं, यहाँ से टेक्स्ट लेयर को हम डिलीट कर देते हैं ताकि कोई मिस्टेक ना हो हमारी बाद में। और यहां से अब मैं आपको बता देता हूं वर्टिकली टाइप टूल तो बता दिया, हॉरिजॉन्टल टाइप टूल मास्क, सॉरी हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल और वर्टिकली टाइप मास्क टूल, एक्चुअली वर्टिकली टाइप और हॉरिजॉन्टल टाइप एक ही है। हॉरिजॉन्टली टाइप तो हॉरिजॉन्टल लिखेगा, वर्टिकली टाइप वर्टिकल लिखेगा, तो मैं आपको एक ही समझाने वाला हूँ, ये भी बता दूंगा कोई बात नहीं। तो चलिए दोस्तों समझ लेते हैं, ये देखिए हॉरिजॉन्टल टाइप टूल मास्क टूल है, इसको सिंपली क्लिक करना है, और यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हमें लिखना है, यहाँ पर लिखना है, तो इस तरह से जैसे आप क्लिक करोगे इस तरह से आपके सामने एक पर्दा सा बन जाएगा, लेयर से आ जाएगी कलर की, और उस पर आपको टाइप करना है, और मान लीजिए ये देखिए न्यू टेक इतना ही लिखते हैं हम न्यू टेक। और आप देखेंगे एक्चुअली इसका यूज कहाँ होता है, थोड़ा सा ही समझा देता हूँ मैं आपको। मान लीजिए कोई पिक्चर है आपकी और उसका बैकग्राउंड जो आ रहा है वो आप अपने टेक्स्ट में देना चाहते हैं और दूसरी इमेज पर ले जाकर लगाना चाहते हैं, तो एक्चुअली आपने बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा, बहुत सारे पिक्चर्स में देखा होगा इस तरह के होते हैं कि यार इसकी इमेज का बैकग्राउंड इसके ऊपर आ रहा है, तो वो एक्चुअली इसी से आता है, इसी टेक्स्ट से आता है, बहुत ही इजी से आ जाता है, तो आप वहां पर हैरान ना हो इसलिए मैं लेकर आया हूँ वीडियो। अब सिंपली कुछ नहीं करना, आपको इस मास्क सॉरी मूव टूल पर क्लिक करना है, मूव टूल को शॉर्टकट जो है आप यहाँ से हर एक शॉर्टकट्स वगैरह देख सकते हैं जिसे वी इसकी शॉर्टकट है। अब चलिए दोस्तों कोई ब्लैंक इमेज पर इसको ले जाकर मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए इस तरह से उठकर चला जाएगा और ये मान लीजिए इस इमेज पर आ गया, और इस तरह से इसको सॉरी कंट्रोल टी करके थोड़ा सा इसको साइज रिसाइज कर लेते हैं ट्रांसपेरेंट टूल की सहायता से, ये देखिए इस तरह से देखिए आप अपना टेक्स्ट दे सकते हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इसकी जो 3D मेकिंग सॉरी जो इसकी और इस पर डिजाइनिंग है वो आप मैंने कल बताए थे ब्लाइंडिंग ऑप्शन के द्वारा, और इसको थोड़ा 3D में एडिट करना है वो एडवांस की बात है, अभी आपके लिए सीखना कोई जरूरी नहीं है वो।
देखिए न्यू टेक बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अब देखिए नेक्स्ट चल के देखते हैं, कोई अच्छी वाली इमेज पर लेकर चलते हैं, किस तरह से अच्छा लगता है, कितना अच्छा ये लगता है, उसके बारे में हम सीखेंगे। तो यहाँ से देखिए क्लिक कर दिए और ये मेरे एक चैनल का लोगो है, उस पर लेकर आइए। सॉरी पूरी इमेज आ गई, मुझे टेक्स्ट को लाना था, उस पर अच्छे से क्लिक नहीं हुआ, तो इस तरह से आ चुका है। ये देखिए टेक्स्ट को लेकर आते हैं और यहाँ पर आके छोड़ देते हैं, और यहाँ से आप देखेंगे कितना अच्छा जो है फिल्टर आ रहा है इसमें। तो फिर भी थोड़ा बहुत कम लगेगा आपको, बाकी आप अच्छी जो आपकी इमेज है उस पर डालोगे तो बहुत ही ज्यादा जो है कलरफुल होने वाली है आपकी इमेज, बहुत ही अच्छी इमेज लगने वाली है आपकी। तो उस पर जरूर ट्राई करिए आप, बहुत ही अच्छे अच्छे इफेक्ट्स आप इसे दे सकते हैं। और जब आप ब्लाइंडिंग ऑप्शन का यूज करेंगे इससे ऐसे टेक्स्ट पर, तो भी बहुत अच्छा जो है आपको शो देने वाला है। लेकिन आप सारे के सारे टूल्स जो है यूज करके देखिए, सिर्फ छोड़ मत दीजिए कि मैंने नहीं बताया, तो आप तो उसे सीखिए, सारे के सारे प्रैक्टिस कीजिए। आपका काम प्रैक्टिस करना हो कीजिए, मेरा तो सिखाया और मेरा काम सिखाना है आपको, एक थोड़ा सा गाइड करना है, रास्ता देना है। अब आपको प्रैक्टिस तो खुद को ही करनी पड़ेगी, तो आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए वरना भूल जाओगे। तो प्रैक्टिस लगातार चलती रहनी चाहिए वीडियोस को अच्छी समझ में आने के लिए, वरना भूलते जाओगे पिछली बातें। बाकी 7-8 दिन से पिछले वाले जो है आप टूल्स सीखे हैं वो एक बार रिवाइज करते रहिएगा। ये देखिए इस तरह से आप अपनी इमेज के जो टेक्स्ट है वो काट कर लगा सकते हैं, थोड़ा सा जल्दी जल्दी से वर्टिकली भी सीख लेते हैं, इसको Ctrl+L+Z कर देते हैं और यहाँ से वर्टिकली सीख लेते हैं। वर्टिकली पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसका जैसे कर्सर जो आ रहा है आप देख रहे हैं वो इस तरह से, और यहाँ पर लिख लेते हैं न्यू टेक रहने देते हैं, न्यू लिख लेते हैं, और इसको सिंपली क्या करते हैं मूव टूल की सहायता से, देखिए सीधा लिखा रहा है और सारी प्रॉपर्टी जो है इसकी सेम रहने वाली है। ये वाली ब्लैंक इमेज पर हम लेकर चलते हैं और इस तरह से देखिए न्यू इस तरह से आ जाएगा, ये देखिए आ गया। चलिए इस वाली इमेज पर लेकर जाकर भी मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। इस तरह से आप इसको एडिट कर सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह तरीके से, और देखिए आपके सामने आ रहा है न्यू टेक इजी। जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब तो कर लीजिए और लाइक शेयर वीडियोस को जरूर कीजिए। एक छोटा सा वीडियो था आपको जनरल जानकारी देने के लिए, नॉर्मल जानकारी इसकी देनी जरूरी थी, बहुत ही अच्छा टेक्स्ट की जो डिजाइनिंग है वो रह गई थी, बहुत ही ज्यादा लुकनेस है या सॉरी लुकिंग की है, तो आपके लिए बहुत ही बेहतर वर्क करेगी, आपकी इमेज को बहुत ही शानदार बनाएगी, आपके टेक्स्ट को बहुत शानदार बनाएगी। चलिए दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में जो हम नेक्स्ट टूल के बारे में सीखेंगे, जो पाथ सिलेक्शन टूल है, जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, उसके बारे में हम सीखेंगे। बहुत ही ज्यादा यूजेज भी, ये भी बहुत अच्छा काम का टूल है। और जैसे ही टूल्स प्रॉपर्टीज खत्म हो जाती है, मेन्यू बार जो और बार के जो है सारे ऑप्शन आप देख रहे हैं ऊपर वाले जो ऑप्शन है, इन सभी के बारे में आपको बताऊंगा, सभी के बारे में हम सीखते हुए चलेंगे। एडिट पर बहुत ज्यादा है इसके ऑप्शन, एडिट में देखेंगे हम बहुत ज्यादा, उसके बाद इमेज लेयर्स से सारे के सारे प्रॉपर्टीज हम समझेंगे। और एक्चुअली क्या होता है सेव करते समय बहुत लोगों को मिस्टेक आ रहे हैं, मैंने कमेंट्स पढ़े थे, आप लोगों के कोई भी कमेंट्स मुझसे नहीं छूटता है, तो आपके कमेंट्स मैंने पढ़े हैं वीडियोज से कि जो आप सेव करते हैं तो आपको प्रॉब्लम आ रही है यार, सेव की भी मोबाइल में नहीं चलती। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, पहले आप बेसिक सीख लीजिए। तो सेव के लिए आप अभी जनरली सारे फाइलों का ही मान लीजिए Ctrl+S प्रेस करके आप इसे सेव करना चाहते हैं, तो यहाँ से देखिए फॉर्मेट आ रहे हैं, तो ये PSDD पर क्लिक न करें, आप मोबाइल पे चलाने के लिए और जनरली ज्यादा यूज लिए जाते हैं JPG फाइल सिस्टम, उस पर क्लिक करें। बाकी इतनी जो इसके जो और प्रॉपर्टीज है वो कहाँ कहाँ पर काम आती है वो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा बाद में, तो अभी के लिए तो इतना ही। यहाँ पर सेव करेंगे तो आपके मोबाइल में चलने लग जाएगी इमेज, तो इसकी प्रॉब्लम की आप चिंता ना करें, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना कर लाऊंगा। तो चलिए दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय दोस्तों।